हेलो एवरीवन, वेलकम टू तर्क शास्त्र। आदित्य, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्बल एबिलिटी स्टडी प्लान फॉर एमबीए सीयूटी 2022। ये स्टडी प्लान सिर्फ एमबीए सीयूटी के लिए ही नहीं, यह आपको यूजफुल रहेगा सीमैट एग्जाम्स के लिए। अगर आप फरवरी मार्च के मैट अटेम्प्ट्स देने वाले हो एंड इफ यू आर गोइंग टू अपियर फॉर एटमा एग्जाम्स, देन दिस इज अ स्टडी प्लान विच विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। तो चलो आज के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बिफोर वी एंटर इनटू द टुडेज टॉपिक, आई वुड जस्ट लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर न्यू कोर्सेज, जो क्रैश कंप्लीट कोर्स है एमबीए सीईटी का। इसमें एग्जाम्स सीईटी, सीमैट, मैट एंड एटमा, ये चारों एग्जाम्स कवर की जाएगी। उसके साथ साथ ये क्लासरूम एंड ऑनलाइन दोनों मोड में प्रोवाइड किया जाएगा। ऑनलाइन का फीस है आपका 8,990, क्लासरूम का फीस है 10,990। इसमें आपको मोर देन 100 लाइव सेशंस मिलेंगे ऑफ 2 आवर्स ईच, एंड वो सब का रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा हमारे वेबसाइट पे। इसके अलावा रिवाइज्ड स्टडी मटेरियल, जो एमबीए सीईटी 2021 का आपको एग्जाम के बारे में पता होगा कि बहुत सारे सरप्राइजिंग टॉपिक्स थे, तो वो सब टॉपिक्स के साथ साथ हमने रिवाइज स्टडी मटेरियल बना दिया है, जिसमें मोर देन 10,000 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस आर अवेलेबल। एंड हम लोग सॉफ्ट कॉपी में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि आपका ऑलरेडी कॉलेज वगैरह जो है वो ऑनलाइन चल रहा है। साथ ही साथ आपके जो सेशन है वो भी ऑनलाइन चलेंगे, एंड अगर उसमें आप पढ़ाई भी ऑनलाइन ही करोगे, सब मटेरियल पीडीएफ में रहेगा आपके पास, तो आपको पे स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंप्लेंट है कि सर इसमें हमें प्रिंट आउट, फाइनली हम लोग प्रिंट आउट निकाल के ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्यों ना आप हार्ड कॉपी भेजें। तो हम लोग तो पहले से हार्ड कॉपी ही भेजते हैं, हम लोग सॉफ्ट कॉपी नहीं देते हैं बुक्स की। Apart from this, we will get sectional and topic-wise tests for all the exams, 75 plus full-length mock tests. इसमें CMAT के exams हैं, MBA, CET के exams हैं, CMAT के mock tests हैं, MAT के mock tests हैं आपके पास, और ATMA के भी mock tests हैं। करेक्ट, इससे ज़्यादा ही आते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर पकड़ के जाओगे तो हर एक एग्जाम्स के दो चार बढ़ ही जाएंगे। एंड हमारा जो सबसे बड़ा USP है, वन ऑन वन मेंटरिंग। सी गाइज, वी प्रोवाइड कोचिंग टू ओनली 60 स्टूडेंट्स पर ईयर फॉर एमबीए सीईटी कोर्स, 60 स्टूडेंट फॉर एमबीए सीईटी एंड 60 स्टूडेंट्स फॉर कैट। सो वी डू हैव ओनली 3 बैचेस, 20 स्टूडेंट्स ईच, करेक्ट। सो इसमें क्या होता है कि हमारा वन ऑन वन टच जो होता है हमारे स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छा रहता है, एंड हमें वी आर वेरी मच एबल टू प्रोवाइड देम वन ऑन वन एनालिसिस एंड मेंटरिंग। क्योंकि मॉक टेस्ट जब आप एक्चुअल स्पीड में देना स्टार्ट कर देते हो, तो उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती है, एंड माइनर मिस्टेक्स होती है कि आपको समझ में नहीं आता एग्जैक्टली मेरा स्कोर कहाँ पे अटका पड़ा है। करेक्ट, वेर आई एम गेटिंग स्टक। इफ यू आर स्टक बिटवीन 105-110 एंड यू आर नॉट गोइंग बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर लेवल, देन आर रोल कम्स इन टू पिक्चर। करेक्ट, हम लोग आएंगे, आप हमें बता, लेकिन आपको अप्रोच होना पड़ेगा। आप बताओगे तो हम लोग आपको पूरा वन ऑन वन मॉक एनालिसिस करेंगे आपके साथ, आधा पौना घंटा एक घंटा बैठ के, एंड देन आपको गाइड करेंगे कि आपने एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। सेम कोर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलेगा। अगर आपको लाइव सेशंस नहीं चाहिए या लाइव सेशंस अटेंड करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, किसी का वर्किंग प्रोफेशनल है या वो जो बैच टाइमिंग्स हमारे पास अवेलेबल है उसमें अगर आपका टाइम नहीं है, वी डू हैव 3 बैच टाइमिंग्स अवेलेबल, मॉर्निंग, afternoon and evening. For more details, you can definitely contact us. अगर ये तीनों में से कोई भी बैच आप नहीं अटेंड कर सकते, तो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, बाकी सब कुछ सेम मिलेगा एक्सेप्ट द लाइव सेशंस। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं वर्बल की। जब भी वर्बल का सेशन आप वर्बल का पढ़ाई स्टार्ट करते हो, तो मैं जब वर्बल पढ़ाता हूँ आप, मैं हमेशा आई ऑलवेज टेक द एनालॉजी विद क्वांट। जैसे द मेजर सेक्शंस इन क्वांट आर अरिथमेटिक, अल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ एंड नंबर्स, करेक्ट। सिमिलरली इन इफ यू आर टेकिंग एन एनर्जी ऑफ LR, देर आर मल्टीपल टॉपिक्स इन, बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर अरेंजमेंट्स, अराउंड 35 क्वेश्चंस फ्रॉम अरेंजमेंट्स आर आस्क्ड इन दिस इन LR, सो एंड मल्टीपल अदर टॉपिक्स। सिमिलरली इन VA एज वेल देर आर मेनी अदर सेक्शंस लाइक वोकैब एंड ग्रामर, दीज आर the fastest and I'll say the time saver subjects. These will always help you save a lot of amount of time while solving the paper. So आपने ये type के questions कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। Why? Because you do not need to pick up your pen to write down the central idea or write down the pointers, keywords and so on. You just need to read the word
अगर आपको उसका रूट वर्ड पता है, उसका सिनोनिम एंटोनिम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा है वो पता है तो मार्क करो, नहीं तो आगे बढ़ो, ग्रामर का क्वेश्चन पढ़ो, अगर उसका रूल पता है तो आंसर दो, नहीं तो फिर टिक करके आगे बढ़ो, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। टाइम कंज्यूम होता है यहाँ पे, आपको थोड़ा नोट्स निकालने पड़ते हैं, खुद की खुद के कीवर्ड्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, सो दैट यू कैन कनेक्ट द लॉजिक, फाइंड द सेंट्रल आइडिया एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन, एंड फाइनली पैरा बेस्ड क्वेश्चन, जैसे पैराडिम्बल्स हो गया, देन फाइंड आउट द ऑड, फाइंड द ऑड सेंटेंस आउट स्टेप के क्वेश्चंस, पैरा समरी, ये सब क्वेश्चंस आते हैं पैरा बेस्ड। करेक्ट, तो हमने इसको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आपने, सब लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि सबसे पहले आरसी स्टार्ट करो, सबसे पहले आरसी स्टार्ट करो। अरे आरसी तो वैसे भी स्टार्ट हो जाएगा, आरसी में कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है आपको, राइट, बिकॉज इट इज नथिंग बट एन ओपन बुक टेस्ट, पढ़ना है क्वेश्चन सॉल्व करने, हाँ उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके जरूर यूज करने हैं, वो पढ़ने के लिए आपको सेशन अटेंड करने पड़ेंगे, लेकिन इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे ज्यादा इग्नोर्ड पार्ट हो जाता है अपना वोकैब एंड ग्रामर, व्हाई, बिकॉज इंग्लिश इज ऑलवेज बीइंग द थर्ड लैंग्वेज, करेक्ट, द मदर टंग एंड द अदर लैंग्वेजेस विच यू प्रिफर आर कंपैरेटिवली मोर प्रिफर्ड देन इंग्लिश। तो इसमें क्या होता है कि अभी ये तो एक रियल चीज है कि अगर आपके मदर टंग में भी आपको, अगर मैं कोई पूरा जुना पुराना नॉवेल दे दूं पढ़ने को, तो उसमें से भी आपको कितने सारे वर्ड नहीं आएंगे, तो अगर ये मदर टंग का ये हालत है तो आपको इंग्लिश की तो हालत समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इमेजिन नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए, एंड इसमें क्वेश्चन क्या होते हैं, सब लोग ये छोट पार्ट छोड़ने वाले हैं, एंड इसमें हार्डली 70 to 80 रूट, प्रॉपर रूट वर्ड्स है जो जिसके रिलेटेड आपने अगर वर्ड्स कर लिए तो आपको वोकैब के क्वेश्चंस में एक्यूरेसी 80% तक बढ़ जाएगी। तो वैसे भी सब लोग छोड़ने वाले हैं, एवरीबडी इज गोइंग टू फोकस ऑन क्वांट, एवरीबडी इज गोइंग टू फोकस ऑन एलआर अरेंजमेंट्स एंड नॉन कन्वेंशनल एलआर, एवरीबडी इज गोइंग टू फोकस ऑन डीआई, डेटा सफिशियंसी, डेटा कंपेरिजन, सो वाई शुड यू नॉट कम फोकस ऑन वोकैब एंड एफर्ट्स, क्योंकि इसमें तो आप भी करने वाले हो, आपके साथ साथ बाकी जो 1 लाख लोग एमबीए सीटी कॉपी होने वाले वो भी करने वाले। अगर आपको ड्रीम स्कोर, ड्रीम कॉलेज में जाना है, JJMS में जाना है, उसका ड्रीम स्कोर कट ऑफ क्लियर करना है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, विच यूजुअली स्टार्ट्स विद वोकैब एंड। तो सबसे पहले आपने पढ़ने चाहिए इसके रूट वर्ड्स, उससे रिलेटेड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट, एंड नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये टाइप के वोकैबुलरी आपने पढ़नी चाहिए सबसे पहले, किस तरीके से पढ़नी चाहिए ये भी मैं धीरे धीरे बताऊंगा आगे के वीडियोस में, लेकिन वोकैबुलरी स्टार्ट करने टाइम कैसे कर सकते हो, तो मैं एक रूट वर्ड्स की लिस्ट दूंगा आपको, वो रूट वर्ड्स, देन सिनोनिम, एंटोनिम एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये टाइप, दीज आर द फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। देन क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट पूछा जाता है, पूछा गया तो डायरेक्टली 5 मार्क के लिए या तो फिर 7, 8, 10 मार्क के लिए पूछा जाता है, लेकिन बहुत फ्रिक्वेंट हर बार पूछा जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, एंड क्लोज स्ट्रक्चर फिल इन द ब्लैंक्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, यहाँ पे आपको कॉन्टेक्चुअल रेफरेंस मिल जाता है, इस वजह से आपको अगर वो ब्लैंक में रिक्वायर्ड जो वर्ड है उससे रिलेटेड आसपास का भी मीनिंग अगर आपको आइडिया आ गया, देन यू कैन डेफिनेटली जीरो इन ऑन द ऑप्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रामर, करेक्ट, सो व्हाट वी से इज ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गो हैंड इन हैंड, नॉट ओनली ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बट ऑल्सो योर दिस वोकैब, व्हाई, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ ग्रामर, इफ यू नो द रूल्स ऑफ ग्रामर, देन यू विल बी इजिली एबल टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज एंड यू विल बी ऑल्सो एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स, करेक्ट। आरसी के जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो बहुत लोग फोकस करते हैं सिर्फ स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, 350 RPM से ज्यादा स्पीड आपकी होनी चाहिए, 350 वर्ड्स WPM, वर्ड्स पर मिनट से ज्यादा आपकी स्पीड, रीडिंग स्पीड होनी चाहिए, लेकिन एक्यूरेसी किधर गई फिर, करेक्ट, कुछ कुछ लोग बोलेंगे कि एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, 80% होनी चाहिए, तो स्पीड किधर गई, सो बोथ ऑफ देम एक्चुअली गो हैंड इन हैंड, आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको डेली एडिटोरियल्स पढ़ने पड़ेंगे एंड डेली आरसीज सॉल्व करने पड़ेंगे। डेली एडिटोरियल्स पढ़ो फॉर इम्प्रूविंग योर स्पीड, एंड एडिटोरियल्स में इसलिए बोलता हूँ बिकॉज यू डोंट नो विच टॉपिक
ऑन विच टॉपिक द आरसी विल बी आस्क्ड. करेक्ट. सो यू नीड टू गेट फेमिलियर विथ ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स अंडर द सन एज मच एज पॉसिबल. So even if starting from today, the MBACT is conducted will be conducted after 100 days. So you can go through 100 different types of editorials. The topics will include, the topics will be from various backgrounds like sports, geopolitical scenario, politics, China, US, US-Ukraine crisis, Russia-Ukraine crisis, then US-North Korea crisis. It might also be related to the upcoming assembly elections in different states in India and so on. Okay. Sometimes editorials might also be related to the health issues. So, jitne zyada editorials aap padhoge from varied background, aap utne zyada different topics se familiar hote chale jaoge. And this is for speed. लेकिन एक्यूरेसी किस तरीके से बढ़ाओगे? एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए एडिटोरियल घंटा कुछ मदद नहीं करेगा आपको. एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको आरसीज ही सॉल्व करने पड़ेंगे. करेक्ट. डेली वन आरसी विथ क्वेश्चंस. जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, देन यू विल फेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस, एंड देन यू विल बी एबल टू कंपेयर योर एक्यूरेसी, वेदर आई एम कंफर्टेबल विद अ पर्टिकुलर टॉपिक और नॉट, वेदर आई एम कंफर्टेबल विद द पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और नॉट. सो राइट. आरसी के लिए हाँ, उसके साथ साथ ग्रामर रूल्स. ग्रामर रूल्स आपने डेली बेसिस पे नहीं किया चलेगा, वीकली बेसिस पे करो क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है और रूल्स बहुत ज्यादा चेंज होते नहीं है. ग्रामर रूल्स पक्के करने के लिए आपको जितने ज्यादा आरसी सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा एडिटोरियल पढ़ोगे उतना बेटर है. बहुत सारे आरसी पढ़ने के लिए वी ऑलवेज रिकमेंड, वी डू हैव अ टेलीग्राम चैनल नेम्ड तर्कशास्त्र. आप वो सर्च कर सकते हो या तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये दिया हुआ है, तो वहाँ पे ज्वाइन कर दो एंड आपको डेली के फ्री क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, उसमें सॉल्व करते रहेंगे. सो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर आस्किंग कि सर जो लास्ट ईयर एमबीए सीटी में जो क्वेश्चंस आए थे उस तरीके का अगर आया तो क्या करेंगे? अरे वो एवरेशन था, हर बार नहीं होगा, डू नॉट पैनिक. और अगर आया भी तो ऐसे कितने आए थे? 200 में से 35-40 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आए थे. राइट. कुछ एक हाथ दूसरे स्लॉट में कौन के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आए थे, लेकिन टॉपिक बाहर का आउट ऑफ द सिलेबस थोड़ी था. लिमिट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हार्डली 4-5 थे, मेरे खुद के स्लॉट में आए थे. पर तो 200 में से 5 क्वेश्चन छोड़ोगे तो 195 क्वेश्चन, चलो 10 क्वेश्चन पकड़ लो, 190 क्वेश्चन तो आप कर सकते थे. हाँ ठीक है, टॉपिक का इम्बैलेंस, टॉपिक को इम्बैलेंस कर दिया उन्होंने, वो जरूर है. कौन के जितने पूछने चाहिए थे उतने उससे बहुत ही ज्यादा पूछ लिए चलेगा, बट क्या कर सकते हैं अभी, वो सबके लिए वही था ना. सो डू नॉट पैनिक, जो टॉपिक्स रेगुलर है एटलीस्ट वो तो करो. करेक्ट. इट वॉज एन एबरेशन, माइट नॉट हैपन अगेन, स्टिल टू बी ऑन द सेफर साइड प्रिपेयर दोज टॉपिक्स एट द फैग एंड ऑफ योर प्रिपरेशन. वंस द नोटिफिकेशन ऑफ एमबीए सीटी आउट, सीटी इज आउट, वंस द एग्जाम इज क्लोजर अराउंड एग्जाम इज फोर्टनाइट अवे, देन यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द टॉपिक्स विच वर नॉट विच वर आस्क्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट ईयर एग्जाम. Otherwise, you can continue your preparation as you have so far. अगर आपको किसी को प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो बिंदास हमें पूछो. वर्बर से रिलेटेड कोई सेशन करने हैं या कुछ भी डाउट है, यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद अस. टिल देन, गुड लक गाइस.